छात्रों, आज कक्षा 10वीं में विज्ञान में हमारा जो लास्ट वाला लेसन है, अध्याय 16, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये हम शुरू कर रहे हैं। नाम से ही आपको लग रहा है प्राकृतिक संसाधन, तो ये इस प्रकार प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्रदत्त है, वायु, जल और जंगल, वन, तो हमें इनका बहुत अच्छे से प्रबंधन करना है ताकि ये बहुत दिनों तक रहें, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण के कारण इनमें कुछ विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, तो हमें और हम अपने रीति रिवाज, कला, भोजन अनुष्ठान, लोकगीत के साथ इन सबको स्वस्थ वातावरण में मनाए, तो उसके लिए हमें जरूरी है प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना। जो पुराने वेद हैं उनमें भी ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के उपाय बताए गए हैं। आपने कक्षा 9वीं में देखा था कि मिट्टी, वायु, जल के बारे में पढ़ा था और ये किस प्रकार इनका चक्रण होता है। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त हैं। यदि हम अपने क्रियाकलाप से इनको क्या कर दें, प्रदूषित कर दें, तो क्या होगा कि हम उनका, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो आगे भविष्य में हम इनका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे, और हमें इसलिए पर्यावरण को का सुरक्षित करना है। तो वन, वन भी एक प्राकृतिक चीज है। वन्य जीवन, वन में रहने वाले जो जंतु हैं जैसे शेर आदि, जल, कोयला भी, जो प्राकृतिक कोयला है उसको भी हमें सुरक्षित करना है। जैसे कोयला है, आजकल इसका उपयोग नहीं होता है शहर में, तो छात्र और वहाँ के बच्चे कोयला जानते ही नहीं है कोयला होता क्या है, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं कोयला क्या है। कोयले से हम इस प्रकार ईंधन, कोयला एक ईंधन है, इसका हम इस खाना वगैरह पकाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये पेट्रोलियम, आपको मालूम है वाहनों की संख्या बढ़ गई है, तो कुछ समय बाद पेट्रोल खत्म भी हो सकता है। हो सकता है अगले 500-1000 वर्षों में पेट्रोल ही ना मिले लोगों के लिए, तो हमें इन सबको क्या करना है, इनका संरक्षण करना है, तो जिससे कि हमारे पर्यावरण, हमारे विश्व में जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो। और समय समय पर हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी क्या करते हैं, नियम बनाते हैं किसको, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो हमें यदि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो एक 5R का उपयोग करना आप सीख लीजिए। 5R मतलब R से शुरू होंगे, तो एक होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब इनकार करना। दूसरा होता है रीड्यूज, कम उपयोग। तीसरा होता है रीयूज, मतलब रीयूज मतलब पुनः आप इसको उपयोग कर सकते हो। चौथा होता है रीपर्पस मतलब पुनः प्रयोजन, और एक होता है पांचवा रीसाइकिल, पुनः चक्रण। ये दैनिक जीवन में हम इन 5R का उपयोग हम यदि करते हैं तो हमारा पर्यावरण वैसे ही सुरक्षित हो सकता है। तो पहला है रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब इनकार करना। जिन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उनको आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग नहीं करिए, उन उपयोगों को खरीदने से आप बचिए, इसमें आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जैसे प्लास्टिक की चीजें आपको जरूरी नहीं है तो आप प्लास्टिक के थैलों को लेने से इनकार कर सकते हो, इनकार मतलब रिफ्यूज। दूसरा है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम, हो सके कम से कम हमें वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। जैसे आप कमरे में कोई नहीं है और वहाँ का पंखा और लाइट जल रहा है, तो इससे हमारी ऊर्जा, हमारे जो प्रकृति की जो ऊर्जा है वो खर्च हो जाती है, तो इस प्रकार हम बचा सकते हैं। कहीं यदि नल से पानी अनावश्यक रूप से बह रहा है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करके हम पानी को बचा सकते हैं।
भोजन को बचा सकते हैं, आप आहार को, भोजन आहार मतलब आप भोजन को व्यर्थ ना फेंकें, जितना आपको जरूरत है आप उतना ही उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद 3 R हो गए, ये चौथा R है पुनः प्रयोजन और पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया है लिफाफा। लिफाफा आप यूज होने के बाद आप फेंक देते हो, कुछ प्लास्टिक की बोतलें डिब्बे खाली हो गए हैं जिनमें सामान आया है, तो आप उसको, यदि वो अच्छी अवस्था में है तो आप इनको दूसरे रूप में उपयोग कर सकते हो। लिफाफा है, उस पर नाम लिखा हुआ है, तो आप उस पर कुछ पेंटिंग करके, कुछ डिजाइन बना के उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं, ताकि वो कागज खराब ना हो। ऐसी प्लास्टिक की चीजों का भी हम कर सकते हैं। पुनः प्रयोजन, पुनः प्रयोजन भी वही है, मिलता जुलता है। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो एक बार उपयोग में नहीं लाई जा सकती हैं, जैसे चीनी के कुछ बर्तन कहीं से टूट गए हैं तो उसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको पौधे उगाने में उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया है यहाँ। पुनर्चक्रण मतलब अब जो चीज बिल्कुल ही खराब हो गई है, ना उसका हम प्रयोजन कर सकते हैं ना उपयोग कर सकते हैं, तो उनका पुनर्चक्रण किया जाता है। जो आपने देखा ना, जो आजकल कचरा पेटी रखी जाती है, तो बड़े बड़े शहरों में 3 प्रकार की कचरा पेटी रखी जाती है, उसमें आप कागज, कांच, ये वाली धातु की वस्तुओं को रख सकते हैं, दूसरे में आप हरी पॉलीथीन वाला कचरा रख सकते हैं, और तीसरे में आप सब्जियों के छिलके वाला कचरा रख सकते हैं। डस्टबिन अलग अलग रंग की उपयोग आती है, ताकि वो डस्टबिन से कचरा एकत्रित होकर उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमें 5 R को अपनाना चाहिए। ये 5 R हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इसमें जो पर्यावरण प्रदूषित है उसका हम दैनिक कार्यकलाप से संबंधित है। कुछ कार्यकलाप हम सोचते हैं कि हमें वर्तमान में प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन ये बाद में प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार संपोषित विकास से जीवन के सभी आयाम में परिवर्तन निहित है, कि सभी लोग अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति परिवर्तन लाएं, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधन, प्रकृति से प्राप्त साधन है, उनका वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए, मतलब उसका कैसा उपयोग करना है ये हमें अपनाना चाहिए। हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण है कि यदि हम ये प्रबंधन आज से नहीं करेंगे तो आगे आने पर्यावरण हमारा बहुत प्रदूषित हो जाएगा, और जो आगे आने वाले लोग हैं उनको प्राकृतिक चीजें मिलेंगी ही नहीं, जल उनको अशुद्ध मिलेगा, उनको लकड़ी नहीं मिलेगी, लकड़ी के वो खिलौने से नहीं खेल पाएंगे, पेट्रोल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे संसाधन क्या हैं, बहुत सीमित हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहे पृथ्वी से हमने खोद के, खनन करके निकाल लिया। तो हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना है। दीर्घकालिक मतलब दूर तक का सोचना है कि ये साधन हमें प्राप्त होते जाएं और इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो। ऐसा ना हो कि ये साधन केवल मात्र पैसे के बल पर कुछ ही लोग इनका उपयोग कर सकें। तो हमें इस प्रकार पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इन संसाधनों का जो हम दोहन करते हैं वो विवेक पूर्ण करें। खनन से भी, जब इन प्राकृतिक संसाधनों को हम उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमें खनन करना पड़ता है। खनन मतलब गड्ढा करना पड़ता है। जैसे आप जब पानी निकालने के लिए जेट पंप लगवाते हैं तो गड्ढा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं खनन। आप खनिज पदार्थ निकालेंगे तो भी खनन करना पड़ता है, और जब हम कोई धातु को निकालते हैं जो जमीन से, तो उसमें भी धातु मल निकलता है, और ये जो धातु मल है, मान लो अपशिष्ट पदार्थ है, कभी हानिकारक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें
संसाधनों के प्रबंधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। धन्यवाद।